क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाई डज 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस कंटेन द सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स एज 10 ग्राम ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड। वो कह रहे हैं 10 ग्राम नाइट्रोजन गैस और 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड दोनों में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्यों? तो हमने इसे कैलकुलेट करना है तो हमें पता चलेगा कि सेम होते हैं या नहीं। तो हमारे पास मास ऑफ नाइट्रोजन गैस कितना दिया गया है, 10 ग्राम, और मोलर मास नाइट्रोजन गैस का हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि एक नाइट्रोजन एटम का मोलर मास होता है 14 ग्राम पर मोल। तो 2 नाइट्रोजन एटम्स हैं तो 2 × 14 आंसर आएगा 28 ग्राम पर मोल। ठीक है, एवोगैड्रोस नंबर क्या है हमारे पास, 6.02×10²23 पार्टिकल्स होते हैं एवोगैड्रोस नंबर में। फाइंड क्या करने हैं, नंबर ऑफ नाइट्रोजन मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स भी क्या होते हैं, पार्टिकल्स होते हैं। ठीक है, मॉलिक्यूलर सब्सटेंस के पार्टिकल्स क्या होते हैं, मॉलिक्यूल्स। तो फॉर्मूला हम क्या अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ अ सब्सटेंस। ठीक है, तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर। तो हम वैल्यूज पुट करेंगे कि हमारे पास नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ नाइट्रोजन बराबर है, गिवन मास है 10 ग्राम डिवाइडेड बाय मोलर मास है 28 ग्राम पर मोल, और एवोगैड्रोस नंबर है 6.02×10²23 मॉलिक्यूल्स पर मोल। ठीक है, एक मोल में इतने मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं, तो पर मोल और पर मोल कैंसिल हो गया, ग्राम ग्राम से कैंसिल हो गया यूनिट, तो मॉलिक्यूल्स का यूनिट बचा। कैलकुलेट करेंगे तो आंसर क्या आएगा, 2.15×10²23 मॉलिक्यूल्स मौजूद होते हैं नाइट्रोजन के 10 ग्राम्स में। ठीक है, अब हमने फाइंड आउट करने हैं नंबर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स भी फाइंड आउट करने के लिए फॉर्मूला हम अप्लाई करेंगे, नंबर ऑफ पार्टिकल्स बराबर होते हैं नंबर ऑफ मोल्स मल्टीप्लाइड बाय एवोगैड्रोस नंबर, और नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड आउट करेंगे, मास ऑफ सब्सटेंस डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ सब्सटेंस। इसके अकॉर्डिंग हमने इक्वेशन को रीअरेंज कर लिया। ठीक है, कैलकुलेट हम करेंगे बाय पुटिंग द वैल्यूज। तो हमने वैल्यूज पुट की, मास क्या है कार्बन मोनोऑक्साइड का, 10 ग्राम, मोलर मास कार्बन मोनोऑक्साइड का भी होता है 28 ग्राम पर मोल, नाइट्रोजन का भी 28 होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का भी 28 होता है। ठीक है, दोनों का मोलर मास सेम होता है इसलिए नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो है एवोगैड्रोस नंबर हमने पुट किया तो वैल्यू क्या आई हमारे पास, 2.15×10²23 मॉलिक्यूल्स जो हैं वो हमारे पास कार्बन मोनोऑक्साइड के 10 ग्राम्स में मौजूद होंगे। तो वहाँ पर नाइट्रोजन में भी 2.15×10²23 मॉलिक्यूल्स हैं और कार्बन मोनोऑक्साइड में भी 2.15×10²23 मॉलिक्यूल्स मौजूद हैं, यानी सेम है। तो 10 ग्राम नाइट्रोजन एंड 10 ग्राम कार्बन मोनोऑक्साइड है सेम मोलर मास, दोनों का मोलर मास क्या होता है, सेम मोलर मास क्या है दोनों का, 28 ग्राम पर मोल। सो दे हैव द सेम नंबर ऑफ मोल्स एंड दे ऑल्सो हैव सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, क्योंकि नंबर ऑफ मोल सेम होते हैं तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी सेम होते हैं, क्योंकि एवोगैड्रोस नंबर जो है वो कॉन्स्टेंट है।